नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोमांस विक्रय करने वालों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने खोतवाली थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। आज मध्य प्रदेश के गुना शहर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में गोमांस के विक्रय के संबंध में कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी अनूप भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में गोमांस का धड़ल्ले से विक्रय किया जा रहा है, जिसमें पूर्व से ही सम्मिलित आधा दर्जन व्यक्तियों के नाम ज्ञापन के माध्यम से कोतवाली थाना प्रभारी के संज्ञान में लाए गए। दिनांक 16 अप्रैल को जमजम होटल में गोमांस के संबंध में समाचार पत्रों में उल्लेख भी किया गया था, लेकिन वैधानिक तरीके से होटल संचालक पर उचित कार्रवाई न करने से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इसलिए आज दिनांक 22 अप्रैल को कार्यकर्ताओं द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी से अनुरोध किया गया है कि गो हत्यारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। आइए जानते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। बजरंग दल ने कोतवाली में थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया है। अभी खबर आई थी गुना में गोमांस विक्रय की, उसके संबंध में हमने आज आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमने ये भी मांग की है कि जो गोवंश जहाँ पे विक्रय खरीदी चल रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई बूचड़खाना नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे मांस पका हो। यदि नहीं हो रहा तो ये नंबर दो में कहाँ पर हो रहा है। हम भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आज हमने आवेदन देके आग्रह किया है कि आप इसको कार्रवाई करें और आगे इससे जो भी होगा वो संगठन के हिसाब से हम कार्य करेंगे।